रिलीजन के बतौर माइनॉरिटी भी है, असलियत में है, और सोशियो इकोनॉमिक एजुकेशनल तरीके से दिस एडवांटेज की। ये बात इस मुल्क में हर कोई जानता था, लेकिन जब तक जो बात हर कोई जानता है उसको सरकारी कागज में नहीं लिखा जाता तब तक वो बात नहीं बनती। और मैं समझता हूं सचर कमेटी ने इस देश में जो एक बड़ा काम किया हुई है कि जो बात हर कोई जानता था उसको सरकारी कागज पे लिख दिया, कोई छोटा काम नहीं है। और मैं समझता हूं इतिहास से जस्टिस राजेंद्र सचर की कमेटी ने इस मुल्क में जो काम किया वो तारीख में दर्ज होगा, बहुत बड़ा काम किया। कि अब उससे पहले आप कुछ बोलते थे मुस्लिम डिसएडवांटेज के बारे में, उनकी बैकवर्डनेस के बारे में, तो लोग कहते थे हाँ ऐसा ये तो बोलते ही रहते हैं, इनको ऐसा ही महसूस होता है। उसके बाद जब आप कहते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की एक कमेटी है जिस कमेटी ने ये बात कही और उसने फैक्ट रखे, और वो फैक्ट आज भी सरकार बीजेपी की भले ही हो लेकिन उनमें से एक भी फैक्ट को सरकार ने इनकार नहीं किया है। दरअसल पिछले कुछ दिन पहले तो रिपोर्ट आई कि हालात उससे भी बदतर हो गए, मगर किसी भी मुल्क में किसी भी इलाके में कुछ सच को सरकारी कागजों में दर्ज करना अपने आप में एक बड़ा काम होता है, क्योंकि एक बार दर्ज हो जाए तो फिर उसका एक दस्तूर बन जाए, चीजों को आप उस हिसाब से रिकॉर्ड करना शुरू कर देते। सचर कमेटी ने यह बड़ा काम किया, और मैं समझता हूं एक मायने में मैं आपके यहाँ की सुधीर कमेटी देखूं तो आपके अपने तेलंगाना की सचर कमेटी जिसने ऐसे चीजों को दस्तावेज उसका बना दिया है, जिसके बारे में मुझे पता है, आप सबको पता जरूर रहा होगा, लेकिन वो दस्तावेज में आ उसका फायदा क्या होता है, जैसे मैंने कहा एक दस्तूर बन जाता है और उससे कुछ चीजें दिखाई देनी शुरू होती है। जैसे सचर कमेटी के बाद कुछ सरकारी आंकड़ों में मुस्लिम्स को रिकॉर्ड करना कंपल्सरी बना दिया गया, देश में एक हायर एजुकेशन सर्वे शुरू हुआ, देश की तमाम हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की अब स्टैटिस्टिक्स आने लगी, और वो हायर एजुकेशन सर्वे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एजुकेशन डिपार्टमेंट से आता है, मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन से आता है। उसका लेटेस्ट राउंड क्या बताता है, दिक्कत टेबल्स की हो जाती है कि कई बार इतने आंकड़े आ जाते हैं कि उसमें से काम का आंकड़ा रह जाता है, बाकी सब चीजें याद आ जाती। मगर मैंने उसको देखा हिंदुस्तान की हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में मुसलमान का पार्टिसिपेशन कितना, कागज में देखेंगे कई बार बहुत निकलता है, लेकिन मैंने पूछा कि अच्छा हिंदुस्तान की जो टॉप इंस्टीट्यूशंस है जहां पढ़ने वाले बच्चे को नौकरी मिलने की लगभग गारंटी हो जाती है, चाहे वो आईआईटी हो, चाहे वो आईआईएम हो, चाहे वो जेएनयू जैसी इंस्टीट्यूशन हो, इन तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ जितनी भी हैं उनमें कितना है। अगर आप ये सवाल पूछें तो हमारे देश में कोई 40 के करीब सेंट्रल यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है, उन सब में मिला के देखें तो मुस्लिम स्टूडेंट्स की तादाद अंदाजन 4% है। यह हाल ही का आंकड़ा है, पुरानी बात नहीं, ये शायद 2 साल पुराना आंकड़ा है जो 1 साल पहले शायद हुआ। 4% मुस्लिम हमारे यहां की सारी हायर एजुकेशन की टॉप इंस्टीट्यूशंस जहां से आपको नौकरी मिल सके, उन इंस्टीट्यूशंस में मुस्लिम टीचर्स कितने हैं वो 2% से भी कम है, ये हकीकत है हमारी। तो जो मुस्लिम बैकवर्डनेस का सवाल है, ये सवाल सिर्फ बैकवर्डनेस का नहीं है, ये सवाल सिर्फ डिसएडवांटेज का नहीं है, इसमें 2-3 चीजें शामिल हैं। एक तो कई बार होता है कि भाई एजुकेशन की दौड़ में कुछ आगे निकल गए कुछ पीछे रह गए, कई इसके वजूहत होते हैं, ऐसा हो जाता है कोई आगे निकल गया कोई पीछे रह गया। मुस्लिम्स के केस में डिसएडवांटेज भी है और डिस्क्रिमिनेशन भी है, ये दोनों चीज काम कर रहे हैं।
जिसकी वजह से जो फास्ता है वो बढ़ता जा रहा है, जो दलित के बीच में, हिंदू दलित के साथ भी अत्याचार हुआ, उसके साथ भी अन्याय हुआ, वो भी डिसएडवांटेज में है। लेकिन आप पिछले 50 साल की तस्वीर देखें तो हिंदू अपर कास्ट और हिंदू दलित में फास्ता पहले से कुछ कम हुआ। पूरे मुल्क का मैं नहीं कह सकता, लेकिन तेलंगाना के बारे में मेरा अपना अनुमान है, ये डेटा शायद कमीशन में है नहीं क्योंकि उस वक्त आंकड़े इकट्ठे नहीं होते हैं, लेकिन अगर आप तेलंगाना का आंकड़ा देखें जिसकी वजह बिल्कुल साफ है, पिछले 70 साल में ये फास्ता बढ़ा है, चाहे वो सरकारी नौकरी का सवाल हो, चाहे वो एजुकेशन का सवाल हो। हमारे यहाँ के एजुकेशनिस्ट इस वक्त बैठे हैं, वो शायद तस्दीक करेंगे इस बात की। मेरे ख्याल से, मेरी समझ से, यहाँ एक एवरेज मुसलमान का जो स्टेटस है, एजुकेशनल स्टेटस, और एवरेज हिंदू का जो है, उसमें फास्ता बढ़ा होगा पिछले 50 साल से, और ये दिक्कत है। यानी कि अगर कोई इंटरवेंशन नहीं किया गया तो ये फास्ता बढ़ता जाएगा, इसमें इंटरवीन करने की जरूरत है। और इसलिए इस सवाल पे बहुत सोच समझ के कुछ करने की जरूरत है। ये मैंने सिर्फ एजुकेशन की बात कही, ये हालात एम्प्लॉयमेंट रोजगार के सवाल पे भी है। सरकारी रोजगार के आंकड़े मिल जाते हैं, जो गैर सरकारी है उसके आंकड़े कम मिलते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि गैर सरकारी में भी ये हालात है। पिछले कुछ दिन पहले कुछ इकोनॉमिस्ट लोगों ने इस चीज की स्टडी, प्रोफेसर थोराट और एक दूसरे साथी ने मिलकर इसका एक बाकायदा रिसर्च किया इस चीज पे। उन्होंने क्या किया, बड़ी सिंपल चीज है, वो मुश्किल रिसर्च नहीं थी। उन्होंने प्राइवेट कंपनियों को नौकरी की एप्लीकेशंस भेजी, हूबहू वही का वही बायोडेटा भेजा, एक में नाम अजय कुमार लिख दिया, दूसरे में नाम मोहम्मद अशरफ लिख दिया, हूबहू वही का वही डेटा उन्होंने प्राइवेट कंपनियों को भेजा। नतीजा क्या था, आप समझ सकते हैं क्या नतीजा रहा होगा। प्राइवेट कंपनियों ने जिसके नाम पे राजन, अशोक और ये सब लिखा था उसको रेस्पॉन्स ज्यादा आया, जिसके नाम पे मोहम्मद अशरफ या कुछ भी लिखा हुआ था उसको रेस्पॉन्स कम। तो पहली बार हिंदुस्तान में इकोनॉमिक्स की स्टडी से, रिसर्च से इस बात को साबित किया गया कि हमारे यहाँ डिस्क्रिमिनेशन है, प्राइवेट जॉब्स में भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। ये सब बात पूरे देश में इस वक्त तो एजुकेशन का सवाल है, एम्प्लॉयमेंट का सवाल है, हाउसिंग का सवाल है। आपके शायद हैदराबाद में ये हालत न होगी, लेकिन दिल्ली में हकीकत ये है कि बहुत ज्यादा मिडिल क्लास इलाके हैं जहां किसी मुसलमान को मकान लेने में, किराए पे मकान लेने में इतनी परेशानी होती है। दिल्ली नेशनल कैपिटल की बात कर रहा हूँ, किसी छुपी हुई जगह की बात नहीं कर रहा, मुंबई वगैरह की जो कहानियां आई हैं सामने वो। तो एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग और सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का सवाल तो है, ये सब वो सवाल है जिनके ऊपर सोचने की जरूरत है। लेकिन ट्रेजेडी इस देश की ये है कि मुस्लिम पॉलिटिक्स या मुसलमान के नाम पे जो पॉलिटिक्स हुई है उसने कभी भी इन सवालों को अपने बड़ा सवाल नहीं बनाया, क्योंकि इस देश में अपने आप को सेकुलर कहने वाली पॉलिटिक्स, मैं साफ कहना चाहता हूं, थोड़ी कड़वी बात है, इस देश में मुसलमानों को सबसे बड़ा खतरा बीजेपी से नहीं है, अपने आप को कम्युनल पॉलिटिक्स कहने वालों से नहीं है, सबसे बड़ा खतरा अपने आप को सेकुलर बताने वाली पॉलिटिक्स। इन्होंने धोखा किया, और धोखा क्या है, धोखा सिद्धि ये है कि सेकुलर पॉलिटिक्स के नाम पे इन्होंने मुसलमान को बंधक बना के रखने की पॉलिटिक्स की। थोड़ी कड़वी बातें होंगी, मैं साफ कह देता हूं यहां से, मैं एक किसान से समझा देता हूं। अमेरिका में मैं था और हमारे ब्लैक दोस्त थे,
उनसे बात कर रहा था, तो उसने कहा कि हमारे पास तो कोई रास्ता नहीं है। मैंने कहा क्यों, तुम्हारे पास रास्ता क्यों नहीं, डेमोक्रेटिक पार्टी तो है। उसने कहा यही तो हमारी प्रॉब्लम है, रिपब्लिकन पार्टी को पता है कि ये लोग तो हमें कभी वोट देंगे नहीं, इसलिए रिपब्लिकन हमारे लिए कोई काम नहीं करते। मैंने कहा ठीक है, वो ठीक है, पर डेमोक्रेट। उसने कहा डेमोक्रेट्स को पता है कि हम तो उन्हें वोट देंगे ही देंगे, इसलिए वो हमारे लिए काम नहीं करते। आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, हिंदुस्तान की जो सेकुलर पॉलिटिक्स है उसने ये खेल खेला, मुसलमान को बंधक बना के रखने का खेल खेला है, ताकि मुसलमान की पॉलिटिक्स का सिर्फ एक सवाल है, सिक्योरिटी। देख तुम्हें मैं दंगे से बचाऊंगा, तो चिंता मत कर, दंगे से मैं तुझे बचाऊंगा। अब 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, कोई दंगा हुआ नहीं। फिर मैंने पूछना शुरू किया कि भाई तालीम, रोजगार, ये सब कहना शुरू किया, बिजली, पानी, सड़क। फिर क्या होता है, फिर दंगा हो जाता है, फिर आप कहते हैं कि हाँ बचा लिया बचा लिया बचा लिया। ये जो खतरनाक कॉन्ट्रैक्ट इस देश की सेकुलर पॉलिटिक्स ने किया, मैं पार्टियों का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन अपने आप को सेकुलर बताने वाली तमाम पार्टियों ने यही खेल बार बार खेला, और जिसका नतीजा ये है कि वो सवाल जो कि हिंदुस्तान का हर कोई वोटर पूछ सकता है, हर कोई खड़ा होकर कह सकता है यार बिजली, पानी, सड़क ये क्यों नहीं है, हर कोई कह सकता है, मुसलमान नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि उसका सवाल है सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी पे लटकाए रखो और कोई सवाल पूछने न दो, और अगर कोई थोड़ा बहुत मौका आए तो क्या सवाल, शरिया, पर्सनल लॉ, बस शरिया का सवाल आया, मामला जज्बाती हो गया, उसके बाद कुछ करने की जरूरत क्या, अपने आप में तो अपने आप भागेंगे, सिग्नेचर करवाएंगे, पता नहीं कहां कहां सिग्नेचर होंगे, सब कुछ होगा। हाल ही में जो होगा, मैं जानता हूं यहां पे सब लोग मेरी बात से इत्तेफाक नहीं रखते होंगे, लेकिन ईमानदारी की मांग है कि मैं बात करूं। हाल ही में क्या हुआ, उत्तर प्रदेश का इलेक्शन आने वाला है, ये जानते हुए बीजेपी ने एक खाली लिफाफा फेंका, लिफाफे में कुछ नहीं था, लिफाफा सिर्फ खाली था, लिफाफे के ऊपर लिखा हुआ था कॉमन सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्यों लिफाफा फेंका गया था, क्योंकि पता था लिफाफा फेंकते ही कुछ लोग भड़केंगे, भड़केंगे तो उनके पीछे पार्टियां दौड़ी दौड़ी आएंगी, दौड़ी दौड़ी आएंगी, इसलिए नहीं कि उनको कोई फर्क पड़ता है, क्योंकि इलेक्शन आने वाले मुसलमान का वोट लेना, वो सब भागे भागे आएंगे, सारे के सारे उस गड्ढे के अंदर आके अपना पांव देंगे, और फिर उसके बाद दूर से खड़े हुए हमें चाहेंगे और कहेंगे देखो ये कैसे लोग। और एग्जैक्टली यही हुआ, बिल्कुल यही हुआ, स्क्रिप्ट उन्होंने लिखी, एक्टिंग बाकी सब ने, किसी ने नहीं पूछा कि भाई इस लिफाफे में है क्या, आराम से कोई भी कह सकता था कि हाँ आने खुलने दो, कर लेंगे, नहीं, लिफाफा देख के सब लोग पढ़ गए उसके पीछे, और जो उन्होंने स्क्रिप्ट लिखी थी वो स्क्रिप्ट कामयाब हो गई। अब आप कुछ भी कह लीजिए, वो स्क्रिप्ट कामयाब हो गई। सवाल और चैलेंज जो हमारे सामने है वो कि ये जो असली सवाल है, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, और जो अनइक्वल ट्रीटमेंट लॉ एंड ऑर्डर में मिल रहा है, इन सवालों पे कैसे फोकस कर सके, इस पे कैसे कुछ करवा सके। सच्चर कमेटी की मैंने बात कही, सच्चर कमेटी ने एक तो बहुत अच्छा काम कर दिया, सब बातों को पब्लिक में रख दिया, उसके बाद भी कुछ कमेटीज बनी, एक अमिताभ कुंडू जी की कमेटी बनी थी, एक मेनन साहब की कमेटी बनी थी, उनमें से एक में होने का मुझे भी पक्का हासिल हुआ था, इसमें काम किया था। लेकिन हकीकत ये है, कमेटी बन गई, आंकड़े आ गए, सबको पता लग गया कि हाँ मुसलमान की कंडीशन ये है, उसके बाद कुछ नहीं, बिल्कुल नाम के वास्ते एक दो टुकड़े कहीं पे फेंक दिए, कुछ भी नहीं बदला है। सरकारी नौकरी में मुसलमान की तादाद पिछले 10 साल में बदली नहीं है, पहले से बदतर हुई है सिचुएशन, ये हकीकत है।
इसलिए मुझे महसूस होता है कि ऐसी सिचुएशन में हमें सवाल ये पूछना चाहिए कि कॉन्क्रीट एक्शन क्या होंगे। ये सुधीर जो डॉक्टर सुधीर रिपोर्ट जो आई है उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं। रिपोर्ट मुस्लिम बैकवर्डनेस के सवाल को लेकर है, ये बहुत अच्छी चीज है। मैं समझता हूं इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट को कम से कम बधाई मिलनी चाहिए कि चलो एक काम तो उन्होंने किया, इस सच्चाई को कम से कम गवर्नमेंट ने कबूल किया। और कोई आपको कहता है कि नहीं तुम तो वैसे ही बोलते हो, आप कह सकते हो भाई ये सरकार का डॉक्यूमेंट है और ये असेंबली में पेश हुआ था, बताइए आप इससे इनकार करते हैं, कैसे आप इससे इनकार करते हैं, वो तो हो गया। उसके बाद होगा क्या, मैं जानता हूं यहां रिजर्वेशन के सवाल पे अलग अलग लोगों के सुझाव होंगे, मेरी अपनी राय है जो मैं दो मिनट में कह दूंगा। मैं इतना एक छोटा सा अर्ज करना चाहता हूं, अगर ये सारी की सारी रिपोर्ट सिर्फ रिजर्वेशन के बारे में हो गई और अगर इस रिपोर्ट का फॉलो अप और एक्शन का सारा डिस्कशन सिर्फ रिजर्वेशन के सवाल पे अटक गया, आप देखिएगा 4 साल बाद हाथ में कुछ नहीं आएगा। मैं कड़वी बात कह रहा हूं, अगर ये रिपोर्ट की कई सिफारिशें हैं, उनमें से एक सिफारिश रिजर्वेशन भी है। हम सब जानते हैं कि उस रिजर्वेशन पर सिफारिश में कितने पेज हैं, इसमें कई पेज लगे हुए हैं। जिन चीजों में पेज नहीं है वो सबसे पहले हो जाए, अगर आप उस पर फोकस करेंगे तो कुल मिला के हाथ में कुछ आ जाएगा। अगर सारा का सारा फोकस ये सबसे पेचदार इशू पे रहा तो आज कुछ नहीं आएगा हाथ में। जैसे सच्चर कमेटी में हमारे हाथ में आज सिर्फ रिपोर्ट है, वैसे ही 4 साल बाद हाथ में सिर्फ रिपोर्ट होगी और कुछ नहीं होगा। क्या क्या बातें कही इस कमेटी ने, मैंने बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा, मैंने सिर्फ उसकी एग्जीक्यूटिव समरी पढ़ी है। कमेटी कहती है इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन बनना चाहिए, ये बहुत अच्छी रिपोर्ट सिफारिश है। जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के बाद इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन बनाने की कमेटी बनी थी, मैं उस कमेटी में शामिल था, हमने सिफारिश की थी और कांग्रेस सरकार ने वो इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन ही बनाया। उसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल आड़ नहीं थी, कोई कानूनी बंदिश नहीं थी, कांग्रेस ने वो नहीं बनाया। इसी तरह से मैं कहता हूं आपकी तेलंगाना सरकार को इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन बनाने की अड़चन नहीं। इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन का मतलब क्या है कि एक ऐसी बॉडी जैसे शेड्यूल कास्ट कमीशन है, शेड्यूल ट्राइब कमीशन होता है, उस तरह की एक लीगल बॉडी बनेगी जिसका तैयार होगा कि अगर कहीं भी प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर में कहीं से ये शिकायत आती है कि नहीं मेरे को नौकरी इसलिए नहीं मिली क्योंकि मैं मुसलमान हूं, कि मैं दलित हूं, अगर ये होता है कि मेरे को स्कूल के अंदर एडमिशन में प्रॉब्लम हुई, उर्दू टीचर हूं इस वजह से मेरे साथ अलग तरह का बिहेवियर हुआ, ऐसे सब केसेस में जांच करके रिकमेंड जो रिकमेंड करना, ये सब इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन के अख्तियार में होगा। ऐसे कमीशन दुनिया के तमाम मुल्कों में है, इंग्लैंड में है, कैनेडा में है, दुनिया के तमाम मुल्कों में ऐसे कमीशन। आपकी सरकार कितना ईमानदारी से इस सवाल पे काम करती है उसका पहला इम्तिहान होगा कि वो इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन बनाती है कि नहीं बनाती है। दूसरी रिकमेंडेशन है डाइवर्सिटी इंडेक्स। मतलब क्या कि कोई भी इदारा है, कोई भी इंस्टीट्यूशन है, कोई कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, उससे पूछा जाएगा कि तुम्हारे यहाँ कितने स्टूडेंट हैं, कितने टीचर हैं, उसमें एससी कितने हैं, एसटी कितने हैं, मुसलमान कितने हैं, ये पूछ के और उस इंस्टीट्यूशन की रेटिंग की जाएगी। कहा जाएगा कि हाँ तुमने जो बैकवर्ड कम्युनिटीज हैं उनको अच्छा रिप्रेजेंटेशन दिया है, उसके साथ क्या जुड़ सकता है, क्योंकि तुमने अच्छा रिकमेंडेशन दिया है, इनको रिप्रेजेंटेशन दिया है, इसलिए इस इंस्टीट्यूशन को अगले साल ग्रांट ज्यादा दी जाएगी। और ये भी कहा जा सकता है कि अगर आपकी इंस्टीट्यूशन ने बैकवर्ड कम्युनिटीज को ठीक से रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया है
इसलिए अगले साल आपकी ग्रांट में कटौती की जा सकती है। ये फिर स्टेट गवर्नमेंट के अख्तियार में है, उसको किसी से परमिशन की जरूरत नहीं है ऐसा करना, डाइवर्सिटी इंडेक्स बनाना और उसको ग्रांट से लिंक करना। खाली डाइवर्सिटी इंडेक्स से कोई फायदा नहीं है, वो तो मेरे कागज है तो आपके हाथ में आ जाएगा, लेके आप घूमेंगे क्या फायदा उसका। उसको ग्रांट से लिंक करना कि तुम डाइवर्सिटी में, यानी कि तमाम पिछड़े हुए वर्गों को, एससी एसटी मुस्लिम, सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं होनी चाहिए, तीनों को जोड़ के पूछें कि आपने कितना रिप्रेजेंटेशन दिया, अच्छा दिया तो अच्छी ग्रांट होगी, कम दिया तो कम ग्रांट मिलेगी। इतना भर कर दिया जाए, इतने कॉलेजेस में एडमिशंस बदलने शुरू हो जाए, क्योंकि हर एक को ग्रांट चाहिए सरकार से, सरकार की ग्रांट को इससे लिंक कर दीजिए और अपने आप इंस्टीट्यूशंस बदलने शुरू हो जाए। तो दूसरा टेस्ट जो आपके हाथ में, आप इससे टेस्ट कर सकते हैं। तीसरा, उर्दू के बारे में उन्होंने कहा, ये उर्दू मीडियम स्कूल और उर्दू एज ए सेकेंड लैंग्वेज, ये फिर बिल्कुल किया जा सकता है। इसके साथ ही उन्होंने अपनी लॉन्ग टर्म रिकमेंडेशंस में ये भी कहा है कि मदरसा बोर्ड बनाए। मुझे हमेशा लगता है कि माइनॉरिटीज के सवाल पे सिर्फ नाम लेके माइनॉरिटीज को कुछ देने की बजाय अगर आप इनडायरेक्ट तरीके से दे सकते हैं उससे ज्यादा फायदा मिलता है। तो अगर उर्दू स्कूल में कोई भी पढ़े, हिंदू पढ़े, क्या प्रॉब्लम है, कोई बैन तो नहीं है। उर्दू स्कूल को पैसा दीजिए, उर्दू स्कूल को जो स्ट्रेंथन करने का तरीका है, जो मदरसा बोर्ड बनाना, हालांकि रिकमेंडेशन में लिखा है कि मदरसे की सिलेबस को चेंज किए बिना, मैं नहीं जानता कि यहाँ पे क्या ओपिनियन है, लेकिन मैं जानता हूं कि देश के बाकी इलाकों में उनका सिलेबस भी चेंज हुआ है। ये कह सकती है सरकार कि आपको बोर्ड के अंदर लाएंगे, आप जो रिलीजियस एजुकेशन देते हैं बहुत अच्छी बात है, दीजिए, लेकिन उसके साथ में साइंस मैथ्स वगैरह पढ़ाना होगा, ये आपका बोर्ड का सिलेबस होगा, और इतना करेंगे तो आपको ग्रांट मिलेगी। मदरसा को मॉडर्नाइज करना बेहद जरूरी, ये काम है जो फिर सरकार के अपने हक में है, सरकार चाहे तो कर सकती है। ये तीसरा क्राइटेरिया है, मदरसा, उर्दू प्रमोशन, उर्दू स्कूल का प्रमोशन, इन सब में सरकार के अधिकार में है, सरकार क्या काम करती है आप इसको देख लीजिए। चौथा, फेलोशिप और स्कॉलरशिप की बात है। सुनने में छोटा आइटम लगता है, लेकिन अगर ये एक चीज कायदे से कर दी जाए, इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा हायर एजुकेशन। देखिए, लिटरेसी के आंकड़े देखने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आजकल लिटरेसी हो जाने से कुछ नहीं मिलता है। आप ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तभी जाके कोई नौकरी मिलने की गुंजाइश होती है। तो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में स्कॉलरशिप, फेलोशिप वगैरह की तादाद बड़े तरीके से बढ़ती है या नहीं बढ़ती है, इसको आप जांच के देख लीजिएगा। ये चीज आपके हाथ में है, पता लग जाएगा इससे क्या हो सकता है। मैं तीन चार चीजें ऐसी बोल रहा हूँ जो कि सरकार के अख्तियार में है, जिससे आप जांच कर सकते हैं कि सरकार सीरियस है कि नहीं। दो बातें हैं जो सरकार के अख्तियार में नहीं। सरकार ने कहा है कि मेहतर और बाकी कुछ कम्युनिटीज को शेड्यूल कास्ट का दर्जा दिया जाए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये स्टेट गवर्नमेंट के अख्तियार में नहीं, स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ रिकमेंडेशन कर सकती है, और जैसे ही रिकमेंडेशन होगा सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर काटा लगा देगी। क्यों? वो कहेंगे आर्टिकल 241 के तहत शेड्यूल कास्ट में हिंदू हो सकते हैं, शेड्यूल कास्ट में सिख हो सकते हैं, बौद्ध हो सकते हैं, लेकिन मुसलमान और क्रिश्चियन नहीं हो सकते। ये बहुत ही नाइंसाफी की इंटरप्रिटेशन है। दरअसल संविधान कहता नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन खुद नहीं कहता, लेकिन भारत सरकार ने एक ऑर्डर बना दिया इसका, जो बेहद बेइंसाफी, मतलब इसका कोई लॉजिक नहीं है, इसका कोई जस्टिस नहीं है। लेकिन वही कम्युनिटी जिसके साथ आज भी वो बर्ताव होता है, जिसकी सोशल कंडीशन आज भी वही है, चाहे हिंदू बेहतर हो मुसलमान बेहतर हो तो फर्क नहीं, लेकिन कानून की निगाह में फर्क है। कानून कहता है हिंदू बेहतर है तो शेड्यूल कास्ट हो सकता है, मुस्लिम बेहतर है तो शेड्यूल कास्ट नहीं हो सकता।
इसके लिए पूरे देश में बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है। कॉन्स्टिट्यूशन बदलना होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को एक एक्ट पास करना होगा, उसके बिना नहीं हो पाएगा। तो कह दे कोई भी सूचना आपको दिखा दे, इससे कोई फायदा नहीं है। तेलंगाना गवर्नमेंट कुछ भी कर ले, इससे कुछ नहीं होगा, पूरे देश में बदलेगा। रिकमेंडेशन आई पड़ी है, लेकिन सरकार करेगी नहीं करेगी? कम से कम ये सरकार तो बिल्कुल नहीं करेगी, सबको जानता है ये सरकार क्यों करने वाली है। आखिरी सवाल रिजर्वेशन का, हकीकत ये है कि इस वक्त रिजर्वेशन के क्वांटम को, रिजर्वेशन कितना है उसको बढ़ाने के दो तरह के पेच। पहला पेच तो ये है कि मुसलमान को बतौर मुसलमान अगर रिजर्वेशन दी जाती है तो सुप्रीम कोर्ट उसको खारिज कर देगा। मुसलमान को रिजर्वेशन सिर्फ इस लिहाज से दी जा सकती है कि ओबीसी में आप अलग अलग कैटेगरीज बना दीजिए, इस तरह से आप किया भी करें। आप ओबीसी के अंदर कह सकते हो कैटेगरी ए बी सी बना सकते हो, उसमें से एक पे मुसलमान हो, लेकिन वो बतौर मुसलमान नहीं होगा, बतौर ओबीसी। अब सवाल ये है कि बतौर ओबीसी उनको जो 4% आपने दिया है उसको चार को 5, 6, 7, 8, 9, 10 आप कर सकते हैं? वहां दूसरी समस्या आ गई। दूसरा पेज ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कि आप कुल मिला के 50% से फालतू इसे नहीं कर पाए। इसको तमिलनाडु तोड़ चुका है, लेकिन वो खास किस्म के पॉलिटिकल हालात में हुआ था। वो तमिलनाडु ने कर लिया, उस वक्त कोर्ट के हाथ मूंग के बैठा रहा और वो कॉन्स्टिट्यूशन के उस वाले शेड्यूल में डाल दिया गया जिन चीजों को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, उसमें डाल दिया गया। लेकिन इस वक्त सुप्रीम कोर्ट उसे भी सुन रहा है और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि तमिलनाडु वाला भी टिक पाएगा। ये हो सकता है, इसकी पूरी गुंजाइश है कि सुप्रीम कोर्ट ये भी कह दे कि तमिलनाडु वाला भी खत्म है। मैं ये सब इसलिए बात कह रहा हूं, बहुत आसान था मेरे लिए कहना कि बहुत अच्छी चीज है, इसको स्वीकार कर लेना चाहिए, मेरी जेब से क्या जा रहा हूं। लेकिन मैं चाहता हूं ईमानदारी से बताऊं क्या हालात है। ये 9-12% वाली रिकमेंडेशन को यहां पे पास करवाना, पास करके आगे करवा देना आसान काम नहीं। इसके लिए किसका सपोर्ट चाहिए? कम से कम सेंट्रल गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए। बाकी मैं ज्यादा फोरकास्टिंग नहीं करता हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट और कुछ भी कर सकती है, ये तो नहीं करेगी। कम से कम अगले 3 साल तक इस देश की सेंट्रल गवर्नमेंट ये काम तो नहीं कर पाएगी। अगर ये हकीकत है तो फिर सवाल उठता है कि इस सवाल को इतना बड़ा सवाल करके हम पेश क्यों कर रहे हैं। ये सिर्फ मुस्लिम वाला मामला नहीं, मैं आपको दूसरा बता देता हूं, अगर आपको लगे कि सिर्फ मुसलमान का मामला। सब 2014 के इलेक्शन से 3 महीना पहले जाट रिजर्वेशन दिया गया था, जाट लोगों को रिजर्वेशन दे दिया था उत्तर प्रदेश में। हर पॉलिटिशियन जानता था, मैंने कईयों से उस वक्त बात की कि भाई साहब ये तो सुप्रीम कोर्ट खारिज कर देगा। सब ने कहा तो पता है, पर चलने दो, अभी तो चलने। सबको पता था, दिल्ली की हर पार्टी उसको, कांग्रेस ने दिया, बीजेपी ने सपोर्ट किया पार्लियामेंट में उसका, दोनों को पता था कि ये हो नहीं सकता, दोनों को पता था कि सुप्रीम कोर्ट खारिज करने जा रहा है। लेकिन इलेक्शन से पहले चुनचुना था, छोड़ दिया, चलता गया। उसके बाद आया और ऑफकोर्स सुप्रीम कोर्ट ने 2 मिनट में खारिज कर दिया उसको, पर तब तक काम बन चुका था। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि रिजर्वेशन पे जो सारी बात है वो सिर्फ ये सियासी खेल बन के ना रह जाए। मुझे इसका डर लगता है। आमिर साहब ने कहा, अभी है नहीं उठे, उन्होंने कहा, खान साहब ने बोला कि आपके सीएम बहुत अच्छी शेर और शायरी करते हैं, उर्दू अदब को भी जानते हैं और बहुत कुछ करते हैं। मेरा मन कर रहा था उस पर कह दूं कि सबसे ज्यादा धोखा शेर और शायरी वालों ने ही किया है। मैं
इतिहास आपको नहीं जानता हो, किसी के एब्सेंस में कुछ बात करना, किसी को बिना जाने उसके बारे में कोई तोहमत लगाना गलत बात है। मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कह रहा हूँ, शेर व शायरी करने वालों से ज्यादा एक्स्ट्रा सावधान रहिएगा, क्योंकि सबसे बड़े खंजर इन्हीं के मुंह में है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये सारा रिजर्वेशन का सवाल सिर्फ इसलिए उछाला जाए ताकि बाकी और कुछ करना ना पड़े। तो 4 साल के बाद आप पूछेंगे, 3 साल के बाद आप पूछेंगे कि क्या मिला, रिपोर्ट तो मेरे हाथ में है, इस रिपोर्ट से क्या मिला? आपको जवाब मिलेगा, देखो उन्होंने रिजर्वेशन की सिफारिश की थी, हमने बड़ी कोशिश की, पर आप तो जानते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया। और तब तक आप भी भूल चुके होंगे कि इस रिपोर्ट ने 10 और बातें कही थी जो ये कर सकते थे, जो इन्होंने नहीं। मैं आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाहता हूं कि ये जो सवाल है, ये जो आंकड़े आ गए हैं, ये जो बड़े सवाल हमारी आंख के सामने आ गए हैं, इससे तेलंगाना में एक पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव काम शुरू हो सकता है। और मैं समझता हूं तेलंगाना जॉइंट एक्शन कमेटी जैसे जो फोरम रहे हैं, और मुझे याद है कि ये सवाल आज नहीं उठा रहे, ये लोग जब तेलंगाना का संघर्ष चल रहा था उस वक्त भी कोडन राम साहब इस सवाल को उठा रहे थे। और मेरा इस मूवमेंट से एक तरह से रिश्ता इस बात से बना था, क्योंकि मुझे लगता था उत्तराखंड की मूवमेंट भी मैंने देखी थी, छत्तीसगढ़ की मूवमेंट भी देखी थी, झारखंड वाली भी देखी थी, तेलंगाना बनने के लिए जो मूवमेंट देखी उसमें मुझे अनूठी बात ये लगती है कि इसके साथ सपने थे। इसमें सिर्फ ये नहीं था कि बस तेलंगाना दे दो बाद में सब कुछ देखा जाएगा, इसमें बैकवर्डनेस का सवाल उठाया जा रहा था, इसमें माइनॉरिटीज का सवाल उठाया जा रहा था, आगे डेवलपमेंट का मॉडल क्या होगा ये उठाया जा रहा था। ये सब सवाल जॉइंट एक्शन कमेटी के साथियों ने उठाए थे, और आज वक्त है कि हम इन सवालों को संजीदगी से उठाएं। रिजर्वेशन सिर्फ रिजर्वेशन के सवाल तक महदूद होके न रह जाए, ये झांसा हो सकता है, ये फिर एक वही गड्ढा हो सकता है। और मैंने कहा है बार बार मुस्लिम पॉलिटिक्स और मुस्लिम पब्लिक लाइफ बार बार ऐसे गड्ढों में पांव देने में फंसी, ये एक और गड्ढा ना निकले, एक और चुंचना ना निकले, इससे कुछ सचमुच हासिल हो सके उन सवाल के ऊपर अगर हम सीरियस पॉलिटिक्स करेंगे, तो हम कह सकेंगे कि हमने यहां पे एक पॉजिटिव शुरुआत की। जाहिर साहब ने बहुत खूबसूरत बात कही, और वो बात ये थी कि मुस्लिम सवाल, मुस्लिम बैकवर्डनेस का सवाल सिर्फ मुसलमान क्यों उठाए। उसी तर्ज में मैं कहता हूं इस देश के सेकुलरिज्म का सवाल सिर्फ माइनॉरिटीज क्यों उठाए, एक सेकुलर हिंदुस्तान का सपना सिर्फ माइनॉरिटीज का सवाल नहीं है, एक सेकुलर हिंदुस्तान का सपना हर हिंदुस्तानी का सपना होता है। क्योंकि या तो हिंदुस्तान सेकुलर रहेगा या हिंदुस्तान रहेगा ही नहीं, और कोई तीसरा रास्ता नहीं है इस देश का। बहुत सीरियस संजीदगी से मैं कह रहा हूं, या तो ये मुल्क सेकुलर बचेगा, और जिस दिन इस मुल्क के सेकुलरिज्म यहां से खत्म हुआ, ये जिस नक्शे को देख के हम फख्र करते हैं, जिसके तिरंगा लहराते हैं, हम बड़ी बातें करते हैं, ये मुल्क इसके चूर दिल जाएंगे अगर ऐसा हुआ। इसलिए सेकुलर मुल्क को बचाए रखना इस देश के हर सिटीजन के हक, इस देश के हर इंसान का। और सोशल जस्टिस हो, एक मुल्क ऐसा हो जो इंसाफ पसंद मुल्क बने, ये सबकी जरूरत है, सिर्फ मुसलमान की नहीं। इसलिए भी कि इस मुल्क में सिर्फ मुसलमान माइनॉरिटी नहीं है, इस मुल्क का हर शहरी माइनॉरिटी है, हर सिटीजन इसका माइनॉरिटी है, मैं भी माइनॉरिटी हूं, सिर्फ ये जुमलेबाजी नहीं है साहब। इस मुल्क में दंगे हर सवाल पे होते हैं, यहाँ रिलीजन के नाम पे दंगे होते हैं, लैंग्वेज जुबान के नाम पे दंगे होते हैं, बाहरी अंदर वाले के नाम पे दंगे होते हैं।
मैं अक्सर मीटिंग्स में कहा करता हूं कि इस हॉल में अगर कोई भी एक शख्स है जो अपने देश में मेजॉरिटी है, अपने स्टेट में भी मेजॉरिटी है, अपने शहर में मेजॉरिटी है, अपने मोहल्ले में भी मेजॉरिटी है, रिलीजन के लिहाज से भी मेजॉरिटी है, लैंग्वेज के लिहाज से भी मेजॉरिटी है, कास्ट के लिहाज से भी मेजॉरिटी है, तो वो हाथ खड़ा कर दे। और आज तक कोई हाथ खड़ा नहीं हुआ, क्योंकि कोई हिंदुस्तानी नहीं है जो इन सब लिहाज से सब जगह पे मेजॉरिटी होगा। अगर ये बात सच है तो हिंदुस्तान माइनॉरिटीज का मुल्क है। माइनॉरिटीज को हक मिले, माइनॉरिटीज अपनी इज्जत से इस मुल्क में रह सके, ये हर हिंदुस्तानी के लिए जरूरी है। लेकिन इस पॉलिटिक्स के लिए बेहद जरूरी है कि मुसलमान का सवाल देश की बाकी जो डिसएडवांटेज कम्युनिटी है उनसे अलग करके ना उठाया जाए, उसको जोड़ के उठाया जाए। जहां जब जब मुसलमान का सवाल सिर्फ मुसलमान के सवाल के रूप में उठेगा, उसके सक्सेसफुल होने की गुंजाइश उतना ही कम हो जाए। जब वो बाकियों से जोड़ के सवाल के रूप में उठेगा, तब तक उसके आगे बढ़ने की गुंजाइश उतनी ही बढ़ जाए। इस लिहाज से मैं तेलंगाना जॉइंट एक्शन कमेटी को मुबारकबाद देता हूँ कि इसने ऐसे तमाम सवालों को उठाया और उन सवालों के हिस्से के रूप में उसके साथ साथ आज ये सवाल भी उठाया। इन सब सवालों को जोड़ के हम हिंदुस्तान में एक नई मुहिम शुरू कर सकते हैं, एक नई किस्म की पॉलिटिक्स शुरू कर सकते हैं जो वाकई सेकुलर पॉलिटिक्स कहलाने की हकदार होगी। जो आज सेकुलरिज्म के नाम पे हो रहा है वो सेकुलर पॉलिटिक्स कहलाने की हकदार नहीं। हमें उस सेकुलर पॉलिटिक्स को खड़ा करना है। और आज इस रिपोर्ट पे बहस के बहाने हमने उसके लिए एक छोटा कदम उठाया। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया।